हाई एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल मेरा नाम कृतिका है एंड दिस इज़ टू आई एस अकेडमी सो आज हम बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ के साथ में शुरू कर रहे हैं दैट इज़ हमने हिमाचल के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को सम अप कर दिया है आज के वीडियो के बाद में तो इसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था जैसे अवार्ड्स जितने भी हिमाचल को मिले हैं पिछले एक साल में रिपोर्ट्स हो गए जिनमें मैंशन किया गया था पीपल एंड प्लेस इन न्यूज़ एंड आर्ट एंड कल्चर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इस तरीके से पिछले एक साल के न्यूज़ जितने भी थे तो आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो किसी भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं किए तो इनको अलग से देखेंगे ये सीरीज़ के समअप होने के साथ में 2022-23 में जितने भी हिमाचल के एग्ज़ाम होंगे अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्ट फ्राम दिस ओनली इसको आपने सप्लीमेंट करना है वीकली करंट अफेयर्स के साथ में जो भी हिमाचल के हम लोग करते हैं देन इट विल बी मोर देन इनफ फिर आपको कोई भी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है डेली न्यूज पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है इन लेक्चर्स के पी आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक कोर्स दिखेगा एच एस प्रीलियम्स की टेस्ट सीरीज उसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज से आप पी को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप एक स्पीडी रिविज़न इसको दे सकें तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में ये है एक ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन टेरिटोरियल डिस्प्यूट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ये एक तरफ सिंस हिमाचल बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स uh, के साथ में इनफैक्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी शेयर करता है तो वहीं पर चंबा यहाँ पर दिस इज द एरिया यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ पर क्या है चंबा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिली और हिमाचल प्रदेश ने डोसर तो, भेजा तो यानी कि बेसिकली एक डॉक्यूमेंट भेजा ये बताने के लिए कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर करीब सात से आठ किलोमीटर की एनक्रोचमेंट कर रहा है इन चंबा ये एरिया कौन सा है तो ये है सलूनी सब डिविजन सलूनी और किस चीज़ के लिए फेमस है सलूनी का मेज़ बहुत ज़्यादा फेमस है जिसके लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है कि ये इस तरीके की कुछ क्वालिटीज रखता है जो कि यूनिक है सलूनी सब डिविज़न में ही ये उगाया जाता है तो यही वाला आपका एरिया है एक और चीज़ है यहाँ पर एक पास है जिसको हम पादरी पास या पादरी जोत के नाम से जानते हैं जो कनेक्ट करता है जम्मू एंड काश्मीर और चंबा को हैंस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ किसके बीच में ये डिस्प्यूट हो रहा है हम लोग um, हरियाणा के साथ में पंजाब के साथ देन उत्तर प्रदेश के साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तराखंड के साथ में करते हैं तो किसके साथ में ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है सो दैट इज़ विन जम्मू एंड कश्मीर ओवर सलूनी सब डिविजन एंड यहाँ पर एक पादरी पास भी है तो जरूरी नहीं है कि इस तरीके से पूछा जाए डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है पादरी पास इन न्यूज कनेक्ट विथ तो वन तो ऑफ द फॉलोइंग टू दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड चंबा तो इस तरीके के केसेस यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इसको सेटल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेर जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट इसमें देखा जाएगा कि क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बाद में कि किसके पास में ये एरिया जाएगा सो ये है आपका चंबा आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश HPU signs a रेबीज कंट्रोल विद यू एस NGO तो सबसे पहले रेबीज के बारे में अगर मैं बताऊं हिमाचल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रेबीज़ एक बहुत ही डेडली डिज़ीज़ है बेसिकली तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 तक आने तक रेबीज़ के ज़ीरो केसेस होने चाहिए हिमाचल प्रदेश में इसमें अगर आपको एक और चीज़ याद हो 2019 में उमेश भारती जी को एक अवार्ड भी मिला था फॉर दी रिसर्च इन रेबीज़ उन्होंने रेबीज़ में ही मिला था और उनको पद्मश्री दिया गया था ओम मेष भारती कहाँ से हैं हिमाचल प्रदेश से ही और हिमाचल से इनको ये पद्मश्री दिया गया तो लेकिन इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि थोड़े दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक दस साल की बच्ची को रेबीज़ हो गया उसको एंटी रेबीज शॉट भी दिया गया लेकिन उसके बाद भी उसकी डेथ हो गई हैं इसके साथ में वर्क करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ट्रेनिंग देनी जरूरी है रिसर्च करना जरूरी है सो so उन्हीं के लिए एक एम साइन किया गया है यूएस के एन के साथ में उस यूएस के एन का नाम आपको पता होना जरूरी है सो दैट इज ग्लोबल अलायंस तो गार्क भी को कहते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल ये काम करेंगे रिसर्च हो गया पॉलिसीज हो गई किस तरीके से बनानी है ट्रेनिंग टूल्स टू इंक्रीज कैपेसिटीज ऑफ रेबीज कंट्रोल सो ये अगेन आपको 2025 पता होना चाहिए दिस इज़ द टाइम जब हमने बात की है इस तक आने तक हम लोग रेबीज़ फ्री हिमाचल को बनाएंगे देन आगे कुछ इवेंट्स हैं ये नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स भी हैं लेकिन इंडिया के बारे में हमें इनके थीम्स पता होने चाहिए कब ये मनाए जाते हैं सिंस हिमाचल में भी मनाए गए हैं तो क्वेश्चन इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है जैसे वर्ल्ड वाटर डे नॉन यूनिवर्सिटी में मनाया गया तो ये कब मनाया जाता है ये ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च को मनाया जाता है इसका थीम क्या था इस साल का दैट इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल सो ये फोकस करता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है उसको किस तरीके से रेजुवनेट किया जाए उसको किस तरीके से वापस विजिबल बनाया जाए तो अगेन यहाँ पर इसको आप मेन इस तरीके की चीज़ें आप मेन्स में भी यूज़ कर सकते हो अगर हम वाटर स्कास्ट की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि हमने वाटर डे मनाया उसको ये वाला जो थीम है इस तरीके से आपके कलरफुल पॉइंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश इंट्रोड्यूसड भगवत गीता इन सिलेबस फ्रॉम नाइन्थ टू ट्वेल्थ क्लास तो हिमाचल प्रदेश में ये भगवत गीता को ऐड किया गया इसका बेसिक जो एक इंटेंट है वो यही है कि बच्चों को आजकल पता नहीं होता बहुत खोए खोए खैर कोविड फेज में वैसे भी पढ़ाई नहीं की बच्चों ने और उसके अलावा भी उनको अपनी माइथोलॉजी के बारे में पता नहीं होता तो बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि हमें जानने की ज़रूरत क्यों है तो देखो अगर आप इसके एंटी भी बन जाओ ना कि आप एथिस्ट बन जाते हो कि हम भगवान में विश्वास नहीं रखते उसके लिए भी पहले आपको उनको पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए आप ऐसे ही नहीं बोलोगे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट पसंद नहीं है इंडिया का पहले आपको पता तो होना चाहिए कौन है तो द फर्स्ट आइडिया इज़ कि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए जिससे उनको मॉरल बूस्ट मिलेगा और अपने कल्चर के बारे में पता होगा इसी के लिए नाइन्थ से ट्वेल्थ तक भगवद गीता इंट्रोड्यूस किया गया है इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो रोड सेफ्टी रूल्स भी हिमाचल के करिकुलम में ऐड किए गए ताकि बच्चों को थोड़ी अर्ली एज पे पता हो सिंबल्स साइंस रोड सेफ्टी के बारे में किस तरीके से मैनेज करना है पोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाया जा सकता है सो so, इसको भी करिकुलम में ऐड किया गया देन एक और दिन मनाया गया एच पी यू में दैट इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे तो ये कब मनाया जाता है सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल नेक्स्ट हमारी न्यूज है इंटरनेशनल नर्स डे सिंस कोविड के बाद में नर्सेज को वैसे भी इम्पोर्टेंस दी जाती है दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट है ना तो ये ट्वेल्थ मे को मनाया गया अभी एम्स बिलासपुर ये बहुत काम कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रा को बढ़ाने में क्योंकि सारा हिमाचल का अगर हम इंफ्रा देखते हैं इतना ज़्यादा केपेबल नहीं है एक तो आपको आईजीएमसी पता होगा और जब लोग वहाँ पे नहीं जाते तो वो क्या करते हैं पीजीआई आ जाते हैं तो एम्स एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मनाया जा रहा है और इसी में इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया ये 12 मई को मनाया जाता है और इसका इस बार का जो थीम था दैट वाज़ वॉइस ऑफ लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ नेक्स्ट है वर्कशॉप ऑन पेंटिंग्स मार्क्स म्यूजियम डे म्यूजियम डे मनाया गया म्यूजियम डे मनाते हैं अठारह मई को और इस बार का थीम था द पावर ऑफ म्यूजियम्स तो अगेन इसको कांगड़ा फोर्ट में मनाया गया और स्पेसिफिकली हिमाचल में इसको बना रहे तो फोकस किया गया कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए थे जो अभी म्यूज़ियम्स um, में इंटरेस्टेड रहते हैं और पेंटर्स हैं सिंस कांगड़ा पेंटिंग्स की बात कर रहे थे तो बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स वहाँ पर जो अभी उभरते हुए पेंटर्स हैं वो आए थे वहाँ पर गद्दी ट्राइबल डांस जिसको हम झमाकड़ा कहते हैं वो भी किया गया तो अगेन आप देख सकते हो प्री फैक्ट बन गया पूछ लिया जाएगा ये गद्दी ट्राइबल डांस है आ, कौन सा है या झमाकड़ा है ये क्या है ऑर्नामेंट है कुछ पहनने की चीज़ है या फिर कोई ट्राइबल डांस है है ना ऐसे ही पूछता है एच पी क्वेश्चन और कांगड़ा पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकी वैसे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है लेकिन हल्का सा अगर हम इसको समअप करें इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे कि ये किसके टाइम पे जेनत पे था कौन से रूलर हैं जिन्होंने इनको पेट्रनाइज किया इनका थीम क्या है किस तरीके के कि कलर यूज़ करते हैं और देन वी टॉक अबाउट अगेन कौन कौन से फेमस वर्क रहे हैं या पेंटर्स रहे हैं इनके टाइम पे कांगड़ा पेंटर्स को कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को पेट्रनाइज दिया राजा गोवर्धन सिंह ने ये वो बात है जब भी मुगल्स बहुत खुश रहते थे आर्ट से और अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा आर्ट से घिरे रहते थे लेकिन जब हम डिक्लाइन देखते हैं मुगल एम्पायर की तो वो सारे पेंटर्स भाग के पहाड़ों में आते हैं पहाड़ों में मिले उन्हें राजा गोवर्धन सिंह और यहाँ से शुरू हुई पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की कहानी उसी में से सबसे पहले था कांगड़ा स्कूल और ये सबसे ज़्यादा इसमें फ्लरिश किया है जेनिट पे था आपने जब राजा संसार चंद सुजानपुर तीरा में रहा करते थे उनके पास में बहुत सारे उनके दरबार में पेंटर्स बैठा करते थे और अच्छे अच्छे वर्क्स उस टाइम के फेमस हैं जो मेन इसमें हमें थीम देखने को मिलता है दैट इज़ फेमिनिन चाम अगेन मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है अलग से भी वीडियोज़ पड़े हैं और इस पूरी सीरीज में भी काफ़ी बार बोला तो फेमिनिन चाम यानी के जॉ लाइन्स हो गए या फेमिनिन फीचर्स को ज़्यादा इसमें दिखाया गया है इसमें अभी लिखा नहीं है लेकिन जो आपके राधा कृष्ण क्रिश, राधा कृष्णा है उनके लव सीन्स को भी इसमें एनहैंस करके बताया गया है ब्राइट कलर्स को यूज़ करते हुए लास्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री जी ने पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज यहाँ पर ऑर्गेनाइज की और वो कहाँ पर थी तो वो थी आपकी धर्मशाला में एच स्टेडियम में ये बात करता है कि किस तरीके से स्टेट्स के और सेंटर uh, के दैट मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए ताकि वो मिल काम कर सकें हायर ग्रोथ की तरफ इस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली तीन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया तीन थीम थे पहली थी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी देन इज़ आपका अर्बन गवर्नेंस एंड द लास्ट वन इज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो अगेन आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए अभी हमने इसको प्री के परस्पेक्टिव से क्या है जब ये मेन्स आने वाला होगा तो हम इसको मेन्स के हिसाब से भी देखेंगे सो दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो